नमस्कार, मैं दीक्षा जयपुरिया और आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सरकारी सामानों की लूट मची है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर और फ्लो मीटर गायब कर जमकर इधर से उधर किया गया। कोरोना काल के लिए यह गिद्ध मरते हुए लोगों से भी इनके नाम पर पैसा लेकर मंगवाया और फिर किसी के ठीक होने या मरने पर उन्हें गायब कर दिया। इसके अलावे बड़े पैमाने पर सरकार के ऑक्सीजन सिलेंडर को भी इधर से उधर कर दिया। इस काले कारोबार में उनकी मदद में कई चेहरे समाज सेवी का मुखौटा लिए लोगों का भी है। इस काले कारोबार जो हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा था, जिसका खुलासा दो अनुबंध कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अनुबंध पर कार्यरत वार्ड बॉय सुरेंद्र यादव की गिरफ्तारी से यह पर्दाफाश हुआ है कि अस्पताल में एक रैकेट चल रहा था जो ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य सामानों को इधर से उधर कर रहा था। यूं तो अभी केवल ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी की बात ही पकड़ में आई है, पर यदि जांच हो तो कोरोना शुरू होने से लेकर अब तक इस कोरोना काल में इनके सिंडिकेट ने मरीजों से पैसा वसूली से लेकर जरूरी दवाओं को गायब कर बाहर बेचने तक का काम किया है। अभी तक जांच में 50 जंबो सिलेंडर और 70 लगभग छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन को जैसी ही इसकी भनक लगी तो उसके द्वारा थाने को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दो अस्पताल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि डेमोटार ऑक्सीजन प्लांट पहुंचने वाले ने सिलेंडर में ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान यह खुलासा कर दिया था। जानकार बता रहे हैं कि जिस आरोग्य में सर्वाधिक कोविड पेशेंट थे, वहां 200 सिलेंडर एक दिन का खर्च था। वही एचएमसीएच में जब संख्या इतनी थी ही नहीं तो 350 सिलेंडर खर्च दिखाया जा रहा था। स्टोर कीपर की मदद से दवाओं का भी खेल होने की जानकारी छनकर आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस खेल में कुछ समाज सेवियों की भी मिलीभगत रही है। अब पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ कहां तक जाती है या पुलिस के जांच से ही पता चल पाएगा। लेकिन आम जनमानस से आवाज उठने लगी है कि कोरोना के गिद्धों के चेहरे बेनकाब पुलिस उतारे। सिलेंडर यहां पर है 114 पे फुल भरा हुआ सिलेंडर। हाँ, और यहां पर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर की चोरी की जो ये बताई जा रही है, तो उसको लेकर किसकी से गिरफ्तारी हुई है? उसमें पूछताछ के लिए मनोज कुमार जी को ले जाया गया था, भीम पासवान जी को रात में ले जाया गया, जिन्हें सुबह 8 बजे छोड़ दिया गया। अभी कौन कौन गिरफ्त में है, कौन कौन, माने किसको किसको सदर थाना पुलिस अभी ले गया है? सदर थाना पुलिस रात में ही किसी दो लड़के को वार्ड बॉय को लेकर के गए हैं, जिनका नाम अभी हमें नहीं मालूम है। वो नाइट शिफ्ट के जो सुपरवाइजर है वही बता सकते हैं। अच्छा, और अभी भीम पासवान जी को ले जाया गया तो उनको छोड़ दिया गया? जी जी, दो में से एक को छोड़ दिया गया है। दोनों को छोड़ दिया गया, दोनों सुपरवाइजर को छोड़ दिया गया है। छोड़ दिया गया है, और अभी कोई अंदर में नहीं है? नहीं, पूछताछ जारी है। पूछताछ जारी है और दो वार्ड बॉय को अभी भी रखा गया है। तो कैसे इस मामले का खुलासा आखिर कैसे हुआ कि 200 ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी हुई है? क्योंकि अब जैसे धीरे धीरे गति कम होते जा रही है मरीजों की, तो लोग अभी अपने सिलेंडर को ढूंढने लगे कि आरआर प्रोडक्ट से कितना आया, डेमोटार से कितना आया है। अगर लोग यहाँ पे काउंट करके दिए रहते कि 300 सिलेंडर हमारे पास है और अगर आपको 300 नहीं मिलता तो दोषी वो थे। लेकिन जब आप हमें काउंट करके दिए ही नहीं है और आप अभी हमसे हिसाब मांगेंगे, हम कहाँ से दे पाएंगे? मैंने आपके कहने के मतलब कि गिनती करके नहीं दी गई थी? बिल्कुल नहीं दी गई है। और गिनती करके मांगा जा रहा है? मांगा जा रहा है। अच्छे, जबकि ये सुपरवाइजर का काम नहीं है, हम लोग मैन पावर के लिए यहाँ रखे गए। हमारे जितने वार्ड बॉय हैं या हमारे जितने डीएनएम नर्सेस लोग आती हैं, उन लोगों के लिए हम लोग को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ना कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जिनको भी ये नियुक्त किए हैं, जो भी सरकारी पदाधिकारी है, उनसे इनको से हिसाब मांगना चाहिए। क्या कुछ परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं यहाँ पर सुपरवाइजर पद पर नियुक्त हूँ। मैं एमजे सोलंकी से यहाँ पर नियुक्त किया गया हूँ। हमारे यहाँ पर जितने भी नर्सेज हैं, जितने भी वार्ड गर्ल्स हैं, वार्ड बॉय हैं, उनकी देख रेख के लिए कि वो अपने जगह पर नियुक्त हैं या नहीं हैं, सिर्फ यही काम हम लोगों को दिया जाता है। और यहाँ पर उपस्थिति लोग करा देते हैं कि जाइए जाकर सिलेंडर देखिए, जब आप हमें काउंट करके कुछ देंगे नहीं तो फिर आप काउंट करके हमसे मांग क्यों रहे?
जिन सरकारी पदाधिकारी को इसके लिए नियुक्त किया गया आप उनसे जवाब मांगे, हम आपका जवाब कहाँ से दे पाएंगे। तो कुल अभी फिलहाल मैंने अभी वर्तमान अभी अभी कितना है मैंने गैस सिलेंडर यहाँ पर है 114 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भरा हुआ है मेन ऑक्सीजन में और भी सारे वार्ड में लगे हुए। अच्छा, लगभग कितना लगा हुआ होगा अभी? जितने भी पेशेंट है सबको अलग अलग दिया गया है। अच्छा, इससे सिर्फ न्यू बिल्डिंग में भी सप्लाई जा रही है। सिर्फ न्यू बिल्डिंग। जब फीमेल वार्ड हो गया, मेल वार्ड हो गया, ओल्ड आईसीयू हो गया, उसमें जितने भी पेशेंट होंगे सबको एक एक जम्बो दिया गया।